भाजपा के हिसाब मांगे हिमाचल अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सवित पात्रा द्वारा शिमला में मुख्यमंत्री विभेदक सिंह पर प्रदेश में गुड़िया प्रकरण, भ्रष्टाचार, सीएम की सेब की आय बन, खनन माफिया, शराब व ड्रग माफिया आदि मामले उठाकर कड़ा प्रहार किया गया है। सवित पात्रा ने सीएम वीरभद्र सिंह पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देवभूमि में तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इस मामले में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पहले केंद्र सरकार के 3.5 सालों का जवाब देश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चुनावों में बड़ी बड़ी बातें करके देश की सत्ता पर काबिज हुई थी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से हिसाब मांगने से पहले देश की जनता को ये बताना चाहिए कि आज महंगाई कितनी कम हुई है, केंद्र की सरकार ने प्रदेश व देश के बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया है। केंद्र को ये हिसाब देना चाहिए कि कितने लोगों के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए आए हैं। साथ ही जीएसटी को लागू करने से व्यापारियों व उपभोक्ताओं को कितनी मार झेलनी पड़ रही है। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर तो केंद्र सरकार बात नहीं कर रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को ये हिसाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने कितनी आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश को दी और कितनी नई स्कीमें प्रदेश को दी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार प्रदेश के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा ही ना हो। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आकर के अपनी केंद्र सरकार के जो 3.5 वर्ष हुए हैं इसमें की बड़ी बड़ी बातें कह करके भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सत्ता में आई थी, आज उनको हिसाब देना चाहिए कि महंगाई जो है वो कितनी घट गई है। आज उनको ये हिसाब देना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने कितने रोजगार जो है वो प्रदेश और देश के बेरोजगारों को दिए हैं। उनको ये हिसाब देना चाहिए कि 15-15 लाख रुपया कितने लोगों के खातों में आ गया है। उनको ये हिसाब देना चाहिए कि जो जीएसटी लागू किया और उसकी मार जो छोटे व्यापारी और उपभोक्ता पर पड़ रही है उसके चलते जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं जिनके रेट बढ़ गए, सिलेंडर महीने का 4 रुपए बढ़ रहा है, और जिन महिलाओं को वो ये कहकर के सत्ता में आए थे कि हम जो है वो सिलेंडर के दाम गिरा देंगे, जब कांग्रेस ने की यूपीए सरकार ने कहा था कि हम लोग सब्सिडी देंगे, तो मैं समझता हूं कि उन चीजों के ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहे। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि विकास के काम करें, रोजगार दें, इसलिए नहीं कि आप लोग अगर आज केंद्र सरकार में सत्ता में हैं, हिसाब आप लोगों को देना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को कितनी आर्थिक रूप से मदद आपने की और कितनी आपने नई स्कीमें इस प्रदेश को दी। आज हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा व्यवहार केंद्र की सरकार ने किया है जैसे कि हम लोग हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। इससे पूर्व शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए, वो लोगों की समस्याएं सुनी। आज जो है अभी ये कनेड और सुपर पंचायत को जोड़ने के लिए यहाँ पर पुल का शिलान्यास किया है, 91 लाख रुपए इसके लिए मंजूर हुआ है, और इससे इसके बनने से ये दोनों पंचायतें जो है जुड़ जाएंगी और उसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा। उसके साथ ही एक नया हेल्थ सेंटर कनेट के अंदर खुला है और जदरांगल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, और उसके साथ कई आज अन्य जो विकास के कार्य हैं उनके शिलान्यास और लोकार्पण धर्मशाला चुनाव क्षेत्र के अंदर हमने रखे हैं, जिनकी धनराशि आ चुकी है और सारी औपचारिकताएं पूरी।